Next assignment is your symbols of dairy equipment. First time I have to give the assignment, the symbols of the dairy, building symbols, which we have to prepare on the graph sheets. Next assignment is your symbol of dairy equipment. You have draw the scheme जैसे आपकी आपको जो assignment दिया जाएगा जेरोक्स में same to same आपने उसी scale में ही आपको बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा. तो first है आपका जैसे milk pump, जैसे आपका जेरोक्स में बना हुआ है same to same आपने milk pump को transport the milk. Next this is a milk pump जैसे आपने अपनी training दौरान में देखा होगा experimental dairy में. तो दिस इज ए मिल्क पंप फॉर ट्रांसपोर्ट दी मिल्क. नेक्स्ट है आपका सेपरेटर. सेपरेटर सेपरेटर में दिस इज ए बॉडी एंड एंड मिडल पार्ट इज कॉल्ड अ प्लेस एंड दिस इज ए सर्कुलर रिचेबल पार्ट दैट इज कॉल्ड ए मोटर. यहाँ पर आप लिख लीजिए डेयरी इक्विपमेंट सिंबल्स. ये भी जस्ट आपने ग्राफ पेपर पर बना सकते हो या प्लेन पर पेपर पर, जैसे प्रैक्टिकल कॉपी होती है साइड में राइटिंग पार्ट करना है आपको, और प्लेन पेपर पर आपको ये सिंबल्स ड्रा कर देना है. डेयरी इक्विपमेंट सिंबल्स. हाँ जी, ये करवाया आपको मैंने सेपरेटर. थर्ड है सेपरेटर किस लिए यूज होता है, फोर्थ क्रीम सेपरेशन के लिए. थर्ड है क्लैरिफायर. क्लैरिफायर में भी सेम सर्कुलर रिंग एंड दैट इज कॉल्ड ए मोटर. दिस इज कॉल्ड ए बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड ए मोटर. थर्ड है प्लेट हीटर. प्लेट हीटर में भी जस्ट दिस इज ए प्लेट सर्कुलर रेक्टेंगुलर पार्ट एंड दीज आर स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है आपका पेस्टराइजर. पेस्टराइजर दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर पार्ट. दीज आर कार्ड डिफरेंट पार्ट को हम बोलते हैं प्लेट्स एंड दिस इज फिक्स्ड फोर फोर फ्रेम. ये आप इस टाइप से आप इसको बनाएंगे. दीज आर फिक्स्ड स्पोर्ट्स and these are plates. This is also a fixed force. This is called a pasteurizer. Next है balance tank. Balance tank में भी circular ring, इसमें आपने inlet और outlet show करना है. This is a balance tank. Next है आपका these symbols को बनाने के बाद आपने भी करना है. नेक्स्ट है बल्ब कूलर. बल्ब कूलर डबल जेटेड में बनाना है आपको. डबल जेटेड ऐसे डबल लाइन्स में दिखाएंगे आप, और बीच में जस्ट आपको एक मोटर शो करनी है. डबल जेटेड दिस इज ए एजिटेटर मोटर. नेक्स्ट है मिल्क स्टोरेज टैंक. मिल्क स्टोरेज टैंक में भी आपको जस्ट सेम ऐसे ब्लॉक शो करने के बाद यहां से सर्कुलर पार्ट ऊपर से शो करना है. दिस इज ए मेन होल. ये सिंबल्स जो है आपको एमएसडी में डाल दिए जाएंगे, आप वहां से देखकर इनको बना सकते हो. नेक्स्ट है आपका चीज बैग. चीज बैग किस लिए यूज होता है, चीज प्रेसिंग के लिए. और दिस इज ए वॉल फॉर मूव ऑफ वेव. वेव को रिमूव करने के लिए दिस इज कॉल्ड ए वॉल. रिमूवल ऑफ द वेव. नेक्स्ट है आपका चीज प्रेस. चीज प्रेस में भी सेम आपका ये दिखाएंगे. दिस इज इस टाइप की बॉडी है. बीच में मूवेबल एड्स हैं. जस्ट पे आपके मूवेबल एग्स बने हुए हैं. और सर्कल सर्कल जो दैट दी सर्कल दी सर्कल्स फॉर द वेयर मूव.
वे वगैरह को रिमूव करने के लिए, वे ड्रेनेज के लिए दी सर्कल्स प्रोवाइड, स्मॉल स्मॉल सर्कल प्रोवाइड किए हुए सिंबल में दिखाए गए हैं, वो वे ड्रेन करने के लिए हैं। और दीज आर रेक्टेंगुलर फिक्स पोर्ट है, दीज आर मूवेबल एंड फॉर प्रेसिंग, मूवेबल एंड फॉर प्रेसिंग। नेक्स्ट है आपका बॉटल कन्वेयर। बॉटल कन्वेयर में भी आपकी जींस इज इन कार्डे कन्वेयर। नेक्स्ट है आपका सिंबल ऑफ बॉटल फिलर। नेक्स्ट है की पैन। की पैन आपको डबल जैकेट दिखाना है और इसका एंड पॉइंटिंग में दिखाना है। इस स्टेप से आपको ये की पैन है। नेक्स्ट है बटर चर। बटर चर में आपने देखा होगा, दिस इज ए बटर चर एंड दीज आर स्पोर्ट्स फिक्स्ड फोर्स एंड बीच में जो स्पेयर पार्ट है वो रिमूव करने के लिए, जस्ट बटर तैयार हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए दिस इज ए स्पेयर पार्ट एंड दिस इज ए दीज आर फिक्स्ड फोर्स एंड दिस इज अ बॉडी और दिस इज कॉल्ड ए गार्ड GUARD। बटर चल हो गया। नेक्स्ट सिंबल है आपका बोटल वॉशर एंड फिलर, दिस इज ए बोटल वॉशर एंड फिलर। नेक्स्ट है लार्ज बोटल वॉशर एंड फिलर। नेक्स्ट है क्रेट वॉशर। क्रेट वॉशर में क्या है, दिस इज ए कन्वेयर एंड ऊपर जो है आपके क्रेट्स बने हुए हैं, दिस इज ए कन्वेयर के ऊपर जो है वो क्रेट्स चलती हैं। नेक्स्ट है कैन वॉशर रोटरी। कैन वॉशर रोटरी सर्कुलर पार्क है और बीच में सेंटर पार्ट में आपको दिखानी है और दीज आर कैन्स। नेक्स्ट है कैन वॉशर। सेम कैन वॉशर में भी आप देख रहे हो दिस इज द कन्वेयर, तो आपको एक कन्वेयर विजिबल है और ऊपर जो है आपकी कैन्स है। पैकेजिंग मशीन है नेक्स्ट, फिर रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, फिर नेक्स्ट है वेव बाउ। मेन पॉइंट आपका जो प्लांट लेआउट में यूज होगा दैट इज कॉल्ड ही फर्स्ट आप बनाएंगे इसमें स्केल, ये मेन पार्ट आपका होता है स्केल, देन वेव बाउल एंड देन डम टैंक। ये आपको फिर स्केल ही बनाना है। डम टैंक ये है 2 meter by 1 meter का डम टैंक। नेक्स्ट वेव बाउल 0.91 और 0.60 × 0.60 वेव स्केल, दिस इज ए क्या कहेंगे हम डम टैंक DUMP। ये मैक्सिमम यूज होगा आपका हर लेआउट में डम टैंक। नेक्स्ट है वेव बाउल WEIGH वेव बाउल एंड दिस इज ए स्केल। ये आपको भी डायमेंशन बनाना है। नेक्स्ट बॉयलर है। बॉयलर के अंदर जो है वो स्टीम पाइप जिसमें स्पेयर पार्ट दिखाकर आपको जिस सर्कल दिखाना है जिसमें पाइपलाइन टेकिंग फॉर स्टीम के लिए पाइपलाइन है जिसमें पाइपलाइन सिंबल। फिर है ट्रक टैंकर। ट्रक में जो सर्कल दिखाए गए हैं दैट आर मेन होल्स। नेक्स्ट है मिल्क लाइन रिट्रैक्शन, इसमें मिल्क लाइन आपको दिखानी है जैसे ना एक सेंटर लाइन की तरह, उसमें आप एरो दिखाएंगे इसमें मिल्क की डायरेक्शन को शो करेगा। दीज आर द बिल्डिंग इक्विपमेंट सिंबल्स विच यू हैव ड्रॉन द प्लेन पेपर और जस्ट एक 10 points भी है इसके लिए जब आप लेआउट तैयार करेंगे कंसिडर करने के लिए, वो भी मैं MS Teams में आपको डाल दूंगी। वो पॉइंट्स आपके 10 points जरूर पढ़ने क्योंकि वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं जब भी आप लेआउट बनाएंगे। देन नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ
लेआउट विद शेप शो प्लान, मतलब आपको लेआउट किस कितनी टाइप्स के लेआउट आप बना सकते हो। फर्स्ट इज द स्टेट लाइन, वो जो बिल्डिंग का जो भी जो प्लांट का जो है डेयरी बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड लुकिंग एट द नॉर्थ पोजीशन, और जो फेसिंग जो है वो प्लांट की जो फेसिंग है वो ईस्ट और उसकी आप अवॉइड करें। ईस्ट और वेस्ट की फेसिंग जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रखी जाती है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ लेआउट विद शेप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ लेआउट विद शेप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, एस टी आर आई टी एस टी, स्ट्रेट लाइन टाइप लेआउट। स्ट्रेट लाइन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रिसेप्शन प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच। रिसेप्शन, रिसेप्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ आर, प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, जस्ट आपको एरो इस हिसाब से आप शो करेंगे। सेकेंड है एल टाइप, एल टाइप लेआउट, रिसेप्शन प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच एल टाइप। थर्ड है आपका टी टाइप लेआउट, मतलब आप तीन तरीके से लेआउट्स को बना सकते हैं, रिसेप्शन प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, दिस इज ए टी टाइप। थर्ड है आपका यू टाइप, यू टाइप रिसेप्शन प्रोसेसिंग, नहीं रिसेप्शन डिस्पैच एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। दीज आर द लेआउट्स ऑफ थ्री टाइप्स विच यू हैव टू प्रिपेयर ऑन द ग्राफ पेपर पे बनाइए या प्लेन शीट पे, ठीक है। बाकी आपको जो 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे वो आपने ध्यान से रखने हैं। अभी तो आपका दिस असाइनमेंट्स है, आपका फर्स्ट हो गई आपकी बिल्डिंग सिंबल्स, सेकंड है डेयरी इक्विपमेंट, और ये आपको प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट असाइनमेंट तक, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम लेआउट्स बनवाएंगे मिल्क कलेक्टिंग एंड चिलिंग सेंटर, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।